चलो कोई बात नहीं है, एक्साइटमेंट जोश बहुत आए हमारा इधर। आप भी अपना हाई जोश दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पे दिखने चाहिए मुझे। गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने खत्म कर लिया जो मैंने कल टास्क दिया था, दो लेक्चर टेलर सीरीज सीरीज एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के मैंने दो लेक्चर आपको दिए थे, हार्डली दोनों लेक्चर को मिला के आधे घंटे का लेक्चर था, खत्म हुआ कि नहीं जल्दी बताओ मुझे। देखो कमेंट आ गए, आप एक्सरसाइज कर रहे थे। अरे कुछ नहीं यार, वो ऐसे ही ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट हो गया। चलो ठीक है, फटाफट मुझे बता दो, हो गया कल का टास्क? कंप्लीट हुआ है और जो असाइनमेंट दिया था मैंने जेनिक लाइव ऐप में वो कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट नंबर 14 जो कैलकुलस का था, अभी दूसरा असाइनमेंट कल दूंगा 10 क्वेश्चन का, 8 से 10 क्वेश्चन का, जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। आज हम सिंगल इंटीग्रल के 3-4 एग्जांपल देखेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उस पर क्वेश्चन में करवाऊंगा और फिर हम देखेंगे एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट। एरिया अंडर द कर्व से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गेट में। अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा कंक्लूड हो चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिंगल इंटीग्रल के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पकड़ अच्छी है कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cos 2θ/2, 1 - cos 2θ/2, ये सब आइडेंटिटीज अगर आपको पता है, साइन 3θ क्या होता है, तो आप गेट में जो क्वेश्चन आते हैं यूवी रूल पता है तो आप सिंपली बना लोगे। मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा ताकि आपका रिकॉल हो जाए, और 5 से 6 एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट में भी दूंगा। सिमिलरली एरिया अंडर द कर्व के लिए एक एग्जाम्पल मेरे लिए सफिशियंट है, बाकी के 5-6 एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दूंगा, तो कल के असाइनमेंट में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, कल के लेक्चर में मैं आपको बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ाऊंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट बीटा फंक्शन गामा फंक्शन है तो हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो पहले आपका टास्क ये होगा कि कल का मैं टास्क आपको दूंगा कि आप डबल इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस देख ले, क्योंकि डबल इंटीग्रल्स का गामा या बीटा फंक्शन से कोई लिंक नहीं है, और जैसे डबल इंटीग्रल आपको अच्छे से समझ में आ गया उसके बाद आप ट्रिपल इंटीग्रल में एक गेट का क्वेश्चंस लूंगा इसी में जो आया इसी साल, उसके थ्रू आप सारे ट्रिपल इंटीग्रल समझ लोगे, ट्रिपल इंटीग्रल्स का खेल क्या होता है और प्रॉब्लम्स में लिमिट कैसी लेने होती है। ओके हाँ कंप्लीटेड, ओके वेरी गुड। बैक टू बैक क्लासेस, तो बैक टू बैक क्लासेस मैं भी समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेक्टिक हो जाता होगा कि मतलब आज क्योंकि सुजीत सर का भी क्लास था, वो मतलब डेली नहीं होता यूट्यूब पे लाइव ऐप में, वो जेनिक लाइव ऐप में होता है जो हमारे ऑप्टिमस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि आज टॉपिक थोड़ा ऐसा था, मतलब बेची था टॉपिक, मल्टी वाइब्रेटर शायद पढ़ा रहे थे सर जो कि बहुत स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको YouTube पे दिया जाए ताकि सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो। और दूसरा आपके 3 सेशन होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के, वो भी भारी सब्जेक्ट है, मेन इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट है जहां से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, तो मैं समझ सकता हूं। फिर आपका अभी डायरेक्ट सेशन हुआ है 7 बजे, तो देखो मेरी एक बात सुन लो, अगर कोई भी पेड यूजर है तो पेड यूजर के लिए मैं बता दूं, जो रिविजन प्लान चल रहा है, जैसी अभी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, आनंद सर ने मुझे बताया अभी कि आपका जो पेड यूजर का रिवीजन प्लान है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिखा है उसको रिज्यूम कीजिए, तो आनंद सर ने बोला है कि आपका पेड यूजर्स का, जेनिक पेड यूजर्स का रिवीजन प्लान 26 मतलब परसों से चालू होगा, सिग्नल एंड सिस्टम का। खुश हो जाइए। ओके पता नहीं कहाँ स्टूडेंट सुस्त हो गए, क्या हो गए, दिख ही नहीं रहे आजकल, मतलब लग रहा है बहुत सारा हेक्टिक हो गया है शेड्यूल, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब सिर्फ मैथ्स चल रहा था तो 200 भी आ जाते थे, 150 भी आ जाते थे, 250 भी आ जाते थे, लेकिन क्यों अभी वापस फिर से एक ही दिन में 5 से 6 सेशन हो गए, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसलिए आज जो हम टॉपिक भी करेंगे वो टॉपिक इतना मतलब हैवी टॉपिक नहीं है, वो आपको आता ही है, आप वो 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो सिंगल इंटीग्रल और डबल और एरिया अंडर द कर्व 12th में हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें आपको कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने 12th में अच्छा नहीं पढ़ा है, तो मेरा काम है आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर करना। ऐसा नहीं आप 12th में पढ़ लिए हो तो मैं अज्यूम कर लूंगा पढ़ लिए हो और मैं डायरेक्ट यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ओके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आप बताएंगे सर, रीजन ऑफ हाँ ठीक है, आज ज्यादा हो गया है तो स्टूडेंट्स मेरे साथ मतलब सिंपल पढ़िए चीजें। आज आप देखेंगे कि मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई भी
मतलब आपको ऐसा नहीं है कि माइंड आपका ऐसा समझ लो, जब आप पूरे सेशन में थक जाते हो, शाम तक थक जाते हो, तो जो आपका मैक्स का सेशन होता है वो इस तरह से डिजाइन किया होता है कि आपकी पूरी थकान उतर जाए, आपकी पूरी थकान उतर जाए। तो मेरा काम है इस मैक्स सेशन में आपकी पूरी दिन की जो थकान हो गई है उसको उतारना और आपका माइंड रिफ्रेश करना, और उसका हम यहां पे देखेंगे। ओके ओके, तो हाय जोश के साथ आप बने रहिए मेरे साथ। तो हम यहां पे कुछ मतलब पढ़ने वाले डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो पहले मैं डायरेक्ट एग्जांपल से ही सॉल्व करूंगा, डायरेक्ट एग्जांपल से ही सॉल्व करूंगा मैं यहां पे। इसमें मुझे कुछ ज्यादा क्या बताऊं मैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो सिंपली चलो मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखवा देता हूं, फिर हम डायरेक्ट कंटिन्यूअसली एग्जाम्पल नहीं, ये एक काम करता हूं, एक दो एग्जाम्पल करवाता हूं, उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज बताता हूं, फिर उस प्रॉपर्टीज से जो निकल के हम एग्जाम्पल्स इजिली सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है, उसको हम जो इंटीग्रेशन है उसको आई बोल देते हैं। आई इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। और जो आपका ये अंदर फंक्शन है हम इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। ठीक है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। डीएक्स ये आपको बता रहा है कि आप इसका इंटीग्रेशन ले रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहां से, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए से, एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, तो इसका फिजिकली मीनिंग क्या होता है, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, हम सिंपली इसका किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन ले रहे हैं फ्रॉम सम पॉइंट और अदर पॉइंट, इसका मतलब होता है व्हाट, ये जो आपको रिजल्ट देगा वो क्या होता है, नेट एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे देखो एफ ऑफ एक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकली अगर हम चीजों को देखें तो ये बहुत ही सिंपल है चीजें, मैं रिकॉल करवा रहा हूं सारी चीजें। ये एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, लेटेस्ट से ये फंक्शन है मेरे पास, ये फंक्शन है जिस जो मैंने कहां से कहां तक डिफाइन किया है, लेटेस्ट से ए से बी तक, ए से बी तक, कहां से, ए से बी तक। तो ये अगर हम इस, ये लेटेस्ट से है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर हम इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो हम एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया अंडर दिस कर्व, मतलब जो एक कर्व है उसके नीचे का एरिया हम निकाल रहे हैं, उसके नीचे का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, उसको उस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली डबल इंटीग्रल में जब हम जाते हैं, देखो सिंगल इंटीग्रल में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया अंडर दी कर्व, और जैसे ही डबल इंटीग्रल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वॉल्यूम बाउंडेड बाय दी कर्व, वॉल्यूम बाउंडेड बाय दी कर्व। तो सिंगल इंटीग्रल में हम एरिया अंडर दी कर्व फाइंड करते हैं, और क्या करते हैं, डबल इंटीग्रल्स में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम बाउंडेड बाय दी कर्व। डबल इंटीग्रल्स का आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो आपको 250 डेज प्लान देखना है, उसका मैं आपको बताऊंगा कौन सा लेक्चर देखना है। मैंने 250 डेज प्लान में जो टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। 250 डेज प्लान में सिंगल इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल कुछ मैंने डिस्कस नहीं किया है, और एरिया अंडर दी कर्व, नो एरिया बाउंडेड बाय दी टू कर्व्स, और एरिया बिटवीन दी टू कर्व्स, वो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट पता है, ये वाली चीज आपको क्लियर है, तो एरिया अंडर दी कर्व कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लियर इतनी बात। तो चलो यहां पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, गेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, गेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो आप अगर जिसे हमने डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म कर लिया, तो उसमें क्या करना, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है वो डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख लेना, जैसे कि आपने नोट्स बनाए होंगे अगर आप पेड यूजर होंगे तो, या आपको जो आइडिया है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स याद रखना 8 से 10, जो गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। सिमिलरली और इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर इंटीग्रेशन याद है, अगर सॉरी डिफरेंशिएशन याद है, डेरिवेटिव्स याद है, तो डायरेक्ट दोनों उनका उल्टा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सिंपली क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो हम प्रोसेस करते हैं इस फंक्शन का, हम इंटीग्रेशन निकाल, हम इस फंक्शन का क्या निकाल रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, क्या निकाल रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू बी। इस प्रोसेस को हम सिंपली क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन। इस फंक्शन का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। उस डेरिवेटिव लेते हैं तो उस फंक्शन का क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। तो चलिए गेट का हम एग्जांपल लेते हैं। ओके,
ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, होता है होता है होता है। यही तो अभी, यही तो आपका असली टेस्ट है। इस पॉइंट पे आप फ्रस्ट्रेशन लेवल को मतलब कैसे गायब कर देते हो और पढ़ाई को अपनी इंजॉय करते हो। तो 0 to π/4, 0 to π/4, सॉरी, 0 to π/4 cos² x dx, ये हमें फाइंड करना है, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो देखो, अगर इसका सिंपली मुझे ये क्या है, इसको हम बोलेंगे ये डेफिनेट इंटीग्रल्स। मैं यहां पे क्या पढ़ा रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रल्स। जब जब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसमें अपर लिमिट, इसको बोलते हैं एक्स इज इक्वल ए को अपर लिमिट, और एक्स इज इक्वल टू बी को, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू ए को बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स इज इक्वल टू बी को बोलेंगे अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हो और ये दोनों लिमिट आपको दी गई है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, या लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ये दोनों अगर डिफाइन किए गए हो, तो उस केस में हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। हम क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेट इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं। अगर किसी फंक्शन का सिंपली इंटीग्रेशन फाइंड करना है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या अपर बाउंड और लोअर बाउंड डिफाइन नहीं किया जाता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपली इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इस केस में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, या लोअर बाउंड या अपर बाउंड, दोनों क्या किए गए, डिफाइन किए गए हैं, दोनों की वैल्यूज दी गई है, इसलिए इसको हम क्या बोले, ये हम डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। ये ओ नहीं है, ये जीरो है, ये ओ नहीं है, क्या है, जीरो है। क्लियर इतनी बात। अभी देखो, सिंपल ध्यान दो, हमें पता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स। तो वैसे रिलेशन हमको पता है, लेकिन हमको डायरेक्ट रिलेशन ऐसा कोई नहीं पता कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो, तो पहला स्टेप आपका यह रहेगा कि उसको स्टैंडर्ड, जो हमारा इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स हैं, उस फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो यहां से सबसे पहला हमारा टारगेट यह होगा कि किसी तरीके से इस स्क्वायर को हम गायब कर दें, इस स्क्वायर को हम गायब कर दे। तो देखो, मैं क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाऊंगा, इस स्क्वायर को गायब करने का एक ही तरीका है, आप ये डबल एंगल वाली फॉर्मूला लगाओगे, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 cos 2x/2। और सिमिलरली अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो क्या लिखते, साइन स्क्वायर एक्स होता तो 1 cos 2x/2। ये दो फॉर्मूला आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो, जब कैलकुलस पढ़ रहे हो तो कैलकुलस का ही पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कैलकुलस में जब जा रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 sin θ - 4 sin³θ। तो हमें 6 से 7 आइडेंटिटीज एक्चुअली याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो उससे क्या हो जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है, नहीं तो आप बीच में फंस जाओगे। तो देखो, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 cos x/2, मतलब कॉस एक्स, कॉस टू एक्स की पावर है 1। तो उनका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। क्लियर। तो देखो, यहां पे हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 cos 2x/2, 1 cos 2x/2 dx, 1 cos 2x/2 dx। तो ये मैं 2 को ले सकता हूं बाहर, 2 को ले लिया मैंने बाहर, इस पे चलो ब्रैकेट लगा देता हूं, 2 को ले लिया मैंने बाहर, 2 को ले लिया, तो 1/2 मेरा गया बाहर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 to π/4 1 cos 2x dx। क्लियर। और इसका अगर इंटीग्रेशन लोगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन लोगे तो क्या होगा, x प्लस cos 2x का लोगे तो क्या होगा, sin 2x/2, sin 2x/2। और कहां से कहां तक इंटीग्रेशन लेना है, 0 to π/4, 0 to π/4। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो अंदर नया फंक्शन आया है, इसमें पहले पाई बाय फोर को सब्सिट्यूट कर दो। तो x की जगह रखो पाई बाय फोर, तो क्या होगा, पाई बाय फोर प्लस साइन 2 into π/4/2। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले जो अंदर ये फंक्शन आया है, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट, उसमें पहले अपर लिमिट को सब्सिट्यूट करो, x की जगह पे अपर लिमिट को सब्सिट्यूट कर दिया, इसमें से क्या सब्ट्रैक करो, इसमें से क्या सब्ट्रैक करना है, जो अंदर ये फंक्शन आया है इंटीग्रेशन के रिजल्ट के बाद, इसमें अभी लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करो, क्या है वो, x की जगह, और इस रिजल्ट में से उस पूरे रिजल्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक कर देंगे। तो यहां पे देखो, x की जगह रखो 0,
प्लस साइन 20 मतलब साइन 0 डिवाइड बाय 2, क्लियर। तो हमें सिंपली क्या करना है, ये जो अंदर फंक्शन आया इंटीग्रेशन का रिजल्ट, उसमें पहले अपर लिमिट को रखना है, वो एक रिजल्ट बना, फिर हम लोअर लिमिट का एक रिजल्ट बना, और अपर लिमिट के रिजल्ट में से लोअर लिमिट के रिजल्ट को क्या करना है, सिंपली सबट्रैक करना है। तो इसका देखो आंसर क्या होगा, सिंपल इसका आंसर हम पहुंचेंगे 1/2 × π/4 प्लस साइन 2 × π/4, तो ये हो जाएगा 2 कट, तो साइन पाई बाय 2 होता है 1, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। और 1/2 को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, π/8 + 1/4, क्लियर इतनी बात। तो ये हमारा था सिंपली प्रोसेस इंटीग्रेशन फाइंड करने का, और गेट में जो सिंगल इंटीग्रल के क्वेश्चन आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से ही आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के नहीं आते, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे जो 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएंगे, और डेफिनेट सिंगल इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा भी तो 1 मार्क में ही आएगा, 2 मार्क में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं डबल इंटीग्रल से, क्योंकि डबल इंटीग्रल्स में वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, आप डायरेक्ट उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हो, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर सकते हो, चेंज ऑफ वेरिएबल्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। यहां तक सबको क्लियर हो गया, अभी जो आइडेंटिटी नोट करनी है वो किसी रेफरेंस बुक में से जाके देख लो, क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज है, सब आप मेन इंपॉर्टेंट नोट करना, ठीक है। तो चलो यहां पे देखो, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी बता दो। अरे ऐसा नहीं चलेगा यार, 70 स्टूडेंट्स लाइव है और मुझे लाइक दिख रहे हैं सिर्फ 44, ऐसा कैसे चलेगा बताइए आप, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा, लाइक्स की अभी हाफ सेंचुरी भी नहीं हुई है और स्टूडेंट 70 के आसपास, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये गेट में आया, बताइए ये गेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के, तो डरने की कोई बात नहीं है। ओके, लेक्चर में आपको कम दूंगा, मैं भी समझ रहा हूं इसलिए मैं लेक्चर आपको कम दूंगा, आप टेंशन ना ले, मैं लेक्चर आपको कम दूंगा, क्लियर। ओके, तो चलो ये वाला हो गया, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, फिर प्रॉपर्टीज पे बेस पे मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल करवाऊंगा, क्लियर। तो चलो डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम देखेंगे क्या हमें करना है। ओके, तो ध्यान देना इस पे, ध्यान देना कैसे, प्रॉपर्टीज आप समझ लेना, प्रॉपर्टीज सिंपल है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे जो हमारे काम की होंगी, क्लियर इतनी बात। और प्रॉपर्टीज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आपको याद है तो गेट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी आपके माइंड में ये आ गया कि इसमें मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं तो उस प्रॉब्लम का आंसर 2 लाइन में आ जाएगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आंसर तो सेम आएगा लेकिन उसके लिए जाओगे 10 लाइन पे, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज पता है तो कहीं कहीं गेट में मोस्टली ऐसा होता है कि 2 लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज नहीं पता है, कन्वेंशनल अप्रोच से जाओगे, जैसे इस अप्रोच में गए तो पता चला 10 मिनट आपके गए, जैसे कि सिग्नल एंड सिस्टम का सब्जेक्ट है तो सिग्नल एंड सिस्टम में हम प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्यों पढ़ते हैं, जबकि सारी चीजें कन्वेंशनल अप्रोच से जो सिंगल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है उससे बनाई जा सकती नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज से काम आसान हो जाता है, रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है, उनका यूज करके हमारे लिए टाइम सेव होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है, 4 से 5 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, ध्यान देना क्या होता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम लिमिट्स को इनवर्स कर दे, b से a कर दे और f ऑफ x इंटू डी ऑफ x, तो ये दोनों रिजल्ट्स तभी सेम होंगे जब आगे क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो दूसरा देखो प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी आपका है a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a टू b f ऑफ t dt, इसका मतलब क्या है, अगर आप इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दो लेकिन लिमिट्स उसके भी वैसे ही रखो जैसे x के थे, t के वैसे ही लिमिट्स रखो, मतलब f ऑफ x में आप x से t को रिप्लेस कर दो, लिमिट सेम रखो, तो आंसर सेम आएगा, वो ऑब्वियस है। तो देखो ये हमारे हो गए 3-2 प्रॉपर्टीज। अभी तीसरा प्रॉपर्टी है जो कि सबसे, तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी है आपका सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी, क्या है सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, अगर हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया गया हो माइनस ए टू ए,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को सिंपली सॉल्व करने के लिए दो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। कैसे? इसके दो रिजल्ट्स पॉसिबल है। क्या होंगे दो रिजल्ट्स? इसका एक रिजल्ट होगा डायरेक्ट आएगा आंसर जीरो अगर आपका फंक्शन क्या है ऑड है। ऑड है मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है जो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इज ऑड। एफ ऑफ एक्स इज ऑड। अगर आपका ये जो फंक्शन है जो इंटीग्रांड है वो क्या है ऑड है, वो ऑड नेचर का है, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो डायरेक्ट इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन निकालना हो, लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन निकालना हो माइनस टू टू टू, माइनस ए टू ए, मतलब क्या होगा माइनस टू टू टू, माइनस थ्री टू थ्री, इसका मतलब क्या है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन साइन नीचे ऊपर क्या है साइन उल्टा है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो जैसे मुझे किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो फ्रॉम माइनस टू 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 या माइनस थ्री टू थ्री, माइनस फोर टू फोर, इस टाइप के इंटीग्रेशन के केस में याद देना ये वाली चीज हम कब यूज कर सकते हैं, जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन साइन दोनों का क्या हो ऑपोजिट हो, साइन दोनों का क्या हो ऑपोजिट हो। क्लियर इतनी बात? तो जीरो। और इसका रिजल्ट दूसरा होगा टू इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपका फंक्शन क्या है इवन फंक्शन है, फंक्शन क्या है इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इवन, एफ ऑफ एक्स इज इवन। क्लियर इतनी बात? अगर आपके पास फंक्शन इवन है तो इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, माइनस ए से ए सॉल्व करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं जीरो से ए सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे और इस रिजल्ट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिल जाएगा जो ओरिजिनल था माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूं। और चौथा प्रॉपर्टी भी सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। चौथा प्रॉपर्टी आपका है जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो, ऐसे ही दो रिजल्ट लिख सकते हो, टू इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और अगर इसका रिजल्ट आएगा डायरेक्ट जीरो, रिजल्ट आएगा डायरेक्ट जीरो अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स क्या है, टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या है माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये चार प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए, मेरे पास और मैं प्रॉपर्टीज चेक कर रहा हूं और कुछ प्रॉपर्टीज है क्या, बस ये हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये चार प्रॉपर्टीज समझना सफिशियंट है और किसी की भी जरूरत हमें नहीं है। वैसे तो पांच प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी लेकिन पांचवा प्रॉपर्टी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें ज्यादा जो फोकस करना है तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी आपके ब्लड में ऑलरेडी है, आप इंजीनियर्स हो तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी आपके ब्लड में है, ठीक है, क्योंकि सबको रटा हुआ ही होता है अगर इंटीग्रेशन के लिमिट्स उल्टे कर दोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। हम ऐसे ही याद करते थे, आप भी ऐसे ही याद किए होंगे, ठीक है। क्या करते हैं मतलब इंग्लिश वर्जन में नहीं पता लेकिन जो अपना देसी स्टाइल है हिंदी में, तो हिंदी में हम कैसे हमको टीचर पढ़ाते थे कि अगर लिमिट्स को उल्टा कर दोगे तो आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो और यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करोगे लेकिन लिमिट सेम रख रहे हो तो इंटीग्रेशन के रिजल्ट सेम है, लेकिन अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन फाइंड करना है माइनस ए टू ए, लेट अस से माइनस टू टू टू, माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, माइनस थ्री टू थ्री, माइनस फोर टू फोर, और यहां पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो जीरो अगर ये फंक्शन क्या है ऑड फंक्शन है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। और इसका रिजल्ट आप रिड्यूस करके मतलब इंटीग्रेशन के प्रोसेस को आप रिड्यूस कर सकते हो, क्या आगे लिख दो टू और इंटीग्रेशन सिर्फ कहां से कहां तक लो जीरो से ए तक, जीरो से ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब फंक्शन क्या हो इवन फंक्शन हो, क्या हो इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। और अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो आप सिंपली यहां पे इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हो, सेम इंटीग्रेशन टू इंटू, लेकिन यहां पे जो अपर लिमिट है उसको क्या कर दोगे आधा कर दोगे, मतलब ए जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। और अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है तो डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा जीरो होगा, क्या होगा जीरो होगा। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें।
ओके कल का लेक्चर पता नहीं पब्लिक नहीं है तो मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कल का लेक्चर अगर गलती से अनलिस्टेड हो गया, मुझे भी पूछना पड़ता है, मतलब मुझे आइडिया नहीं होती कि लेक्चर पब्लिक है कि प्राइवेट है, तो अगर आप लोग बता रहे हो कि लेक्चर प्राइवेट हो गया है तो मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, आप चिंता ना करें, आप कोई भी टेंशन ना लें किसी प्रकार की। JNIC इज ऑलवेज विथ यू गाइस, सो डोंट वरी। ओके ओके यहां तक अभी प्रॉपर्टीज पता है। अभी देखो एक और फाइनल जो है वो बता ही देता हूं, नहीं तो आगे फिर बताना पड़ेगा वापस। देखो अगर दो मेरे पास फंक्शन है, दो मेरे पास क्या है फंक्शन है, लेट अस से यू और वी, ये क्या है यहाँ पे, यू और वी दोनों क्या है फंक्शन से एक्स के, मतलब अभी कौन सा फॉर्म आ गया। जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ते थे, रूल पढ़ते थे ना, कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे को दूसरे का डेरिवेटिव लेते थे, प्लस क्या करते थे, दूसरे को कांस्टेंट रखते थे, पहले वाले का डेरिवेटिव लेते थे। सिमिलरली अगर सिंगल इंटीग्रेशन निकालना हो, दो फंक्शन है आपके पास और दोनों एक्स के फंक्शन है, तो इस केस में इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इस केस में इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो देखो इस केस में इंटीग्रेशन ऐसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, यू को रखेंगे बाहर और इंटीग्रेशन लेंगे वी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे किसका, डी बाय डी एक्स लेंगे हम यू का, इंटू इंटीग्रेशन लेंगे वी का, और इस पूरे फंक्शन का क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो ये इसको हम ऐसा भी पढ़ते हैं, यू वी फॉर्मूला, लेकिन ऐसा पता नहीं कहीं स्टैंडर्ड बुक्स में दिया है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो इसको क्या बोलते थे, यू वी फॉर्मूला बताओ, इंटीग्रेशन का यू वी फॉर्मूला बताओ। यू वी फॉर्मूला का मतलब है अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो या सिंपल इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो, और अगर आपके पास दो फंक्शन है, दोनों एक्स के फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में एक फंक्शन को मैंने नाम दिया यू, एक फंक्शन को मैंने नाम दिया वी, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सब उसका इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हमने दो पार्ट में इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया। तो पहले क्या करेंगे, ओवरऑल इसके रिजल्ट को कैसे फाइंड करेंगे, यू को हम रखेंगे बाहर, वी का इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस क्या करेंगे, यू का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी के साथ, फिर ये जो ओवरऑल फंक्शन बना इसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? लेकिन अभी बात यह आती है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात आएगी, बात यह आती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है यहां पे जो कि प्रोडक्ट में है, तो किसको यू मानोगे, किसको वी मानोगे, किसको यू मानोगे, किसको वी मानोगे। तो उसके लिए हम यहां पे मैं सीक्वेंस लिखवा रहा हूं, वो यहां पे नोट कर लो। सीक्वेंस को बोलते हैं LIATEC, लियाटेक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लियाटेक बोलते हैं, ठीक है, या आईलेट भी होता है, आईलेट यूज करो या लियाटेक यूज करो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो आप कौन से फंक्शन को यू लोगे, कौन से फंक्शन को वी लोगे, वो इस सीक्वेंस से डिसाइड होता है। हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस में क्या करना है, मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो जो पहला फंक्शन आएगा उसको हम यू मानेंगे, और जो दूसरा फंक्शन आएगा उसको, जो बाकी बच गया उसको क्या मानेंगे, वी मानेंगे। तो हमें क्या, मैं यहां पे एरो दिखा रहा हूं, देखो एरो दिखा रहा हूं, तो एरो दिखा रहा हूं इसका मतलब क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे, और जो यहां पे दो फंक्शन हमें दिए गए होंगे उनमें देखेंगे कि इस सीक्वेंस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उन दोनों में से यहां पे पहला कौन सा आता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यू, बाकी जो दूसरा बचा वो क्या होगा, वी होगा। L का मतलब क्या होता है, लॉगरिदम फंक्शन, L का मतलब होता है लॉगरिदम फंक्शन, I का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब होता है अल्जेब्रिक फंक्शन, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और C का मतलब होता है सिंपली कांस्टेंट। C का क्या होता है, सिंपली कांस्टेंट। तो या आईलेट बोल दो या लियाटेक बोल दो, दोनों वेज चलते हैं, दोनों से हमारा इंटीग्रेशन इजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इस टाइप के फॉर्म में किसको यू लेना है, किसको वी लेना है। तो वो कैसे लेंगे, ये लियाटेक है या आईलेट है उसमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और उस सीक्वेंस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दोनों में से कौन सा फंक्शन पहले याद दिख रहा है आपको, वो क्या होगा, हमारा यू होगा, दूसरा फंक्शन क्या होगा, वी होगा। लॉगरिदम फंक्शन आपको क्लियर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ये सब चीजें क्लियर है, अलजेब्रिक का फंक्शन क्या होता है, एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर m, जहां पे m क्या होगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर जरूर नहीं, पॉजिटिव, एक्स टू द पावर 1, एक्स स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन आपके होने चाहिए। क्लियर? ओके तो बताइए यहां तक किसी को कुछ डाउट है,
आई मीन अगेन, वॉट यू मीन अगेन। हाँ आईलेट, आईलेट लिख दो, तुम आईलेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिया टेक करो या आईलेट करो, कोई दिक्कत नहीं, आईलेट भाई, चलो आईलेट, उससे कोई यहां पे नहीं, इंटीग्रेशन फिर भी आईलेट ठीक है। ओके आईलेट, तो आईलेट में भी क्या करोगे, सेम प्रोसीजर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, क्लियर। तो ये हमारा था 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का पूरा समरी डेफिनेट इंटीग्रल्स का। ओके तो ये था हमारा 12th क्लास में जो पढ़ते थे डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज, उसका समरी। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम गेट के तीन चार एग्जाम्पल लें जहां से आपको ये चीज क्लियर होगी, ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी और ये वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी। मतलब हम तीन एग्जाम्पल लेंगे, तीनों प्रॉपर्टीज का वहां पे यूज करेंगे, क्लियर। ओके नो डाउट, नो डाउट। तो चलो हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। समय को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एरिया अंडर द कर्व आज नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एरिया अंडर द कर्व कल करेंगे। मतलब तीन चार लेक्चर ही आ गए, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में तो देखो मैं सिर्फ ग्रीन्स थ्योरम लेने वाला हूँ, बाकी टू फ्री डेज प्लान में और ईएमएफटी में चल रहा है, एक वहां पे भी वही बस एक टॉपिक स्टोक्स थ्योरम, डायवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स कल ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहे थे, सेवियर में जो प्लान चल रहा है ईएमएफटी का सुबह को। तो बाकी बचता है ग्रीन्स थ्योरम जो ईएमएफटी में नहीं आएगा, ग्रीन्स थ्योरम में करवाऊंगा, और बाकी इसमें इंटीग्रल कैलकुलस में आज मैं पढ़ा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स, कल एरिया अंडर दी कर्व कराऊंगा और कल ही शायद बीटा गामा फंक्शन भी करवा दूंगा। बीटा फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं देखूंगा गेट के एग्जाम्पल्स कौन से ज्यादा टॉपिक से पूछे गए वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, और फिर आएगा आपका एक टॉपिक ट्रिपल इंटीग्रल्स, कौन सा, ट्रिपल इंटीग्रल्स। ओके तो पेशेंस मेरे साथ बनाए रखें, जो मैं करवा रहा हूं उतना ही करना, गेट के लिए उतना काफी है। ओके मुझ पे थोड़ा भरोसा बनाए रखें आप लोग, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मेरा पेज गुम हो गया है जिसपे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे थे, वही ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया पेज मेरा, अरे भाई हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, सॉरी मिल गया मुझे। तो चलो हम एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं अभी। ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है उसका यूज करके ही हम एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपके फायदे के लिए ही, तो इसलिए क्योंकि गेट में पूछते हैं क्वेश्चंस। हाँ टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कृपया करके ध्यान दे। ओके नोट लिख लेना भाई, नोटबुक में लिख लेना, एल मतलब लॉगरिदम फंक्शन, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन, ए मतलब अल्जेब्रिक फंक्शन। ओके तो चलो एग्जाम्पल ये वाला सॉल्व करते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर टू आज का एग्जाम्पल नंबर टू, और यहां पे आएगा एग्जाम्पल नंबर थ्री, क्योंकि हमारा आधे पोर्शन में तीन लाइन का क्वेश्चन है, वो आपको दिखने में डर जाओगे आप लोग। आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, और आई इज इक्वल टू क्या है यहां पे, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये दोनों इंटीग्रेशन का हमें रिजल्ट निकालना है, तो ये मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा और उसका रिजल्ट आपसे पूछूंगा। तो देखो देखो जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल करवाया आपको, कैसे मैंने स्ट्रेटेजिकली बताया सोचना कैसे, तो उसमें कॉस स्क्वायर था, तो मुझे कुछ कॉस स्क्वायर का कुछ आइडिया नहीं है, मुझे बस कॉस एक्स साइन एक्स ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता है, तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के उसको सिंगल पावर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, उसका मुझे आइडिया है, उसका मुझे आइडिया है। सिमिलरली यहां पे देखो, पहला स्टूडेंट में माइंड में क्या आएगा कि यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करूं, मैं क्या यूज करूं, सब्स्टिट्यूशन यूज करूं, पहला आपके माइंड में यही आएगा। और ध्यान दो अभी इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन यूज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है यहां पे सब्स्टिट्यूशन यूज। यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन यूज कैसे कर सकते हो, देखो साइन टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, टू साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स को टी मान लो, ऊपर साइन एक्स डी एक्स डेरिवेटिव बन जाएगा डी टी, और रिजल्ट देखोगे कि जीरो आ जाएगा इसका रिजल्ट। ओके हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, सब्स्टिट्यूशन वाला आप लगाना घर पे, यहाँ पे साइन एक्स को टू साइन एक्स कॉस एक्स लिखो, कॉस एक्स को टी मान लो और सब्स्टिट्यूशन करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों जीरो आ जाएंगी, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट सिमिलर। अगर आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट जीरो है, और सॉरी
लो डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, तो उस इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमेशा जीरो ही आने वाला है। लेकिन हम इसको कैसे सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी है हमारे पास, जिसमें अगर डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट क्या हो, माइनस ए टू ए टाइप का हो। क्या ये लिमिट माइनस ए टू ए टाइप का है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे क्या है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है डेफिनेट इंटीग्रल, तो पहले माइंड में यही आपके आना चाहिए कि मैं ये चेक करूंगा कि फंक्शन ऑड है या इवन है, फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा, और अगर इवन है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके और सॉल्व कर सकते हैं, जीरो टू इंटू जीरो टू पाई बाय टू से ऐसे इंटीग्रेशन लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब भी माइनस ए टू ए टाइप वाला आपको अपर लिमिट या लोअर लिमिट दिखे इंटीग्रेशन का, तो पहले क्या चेक करोगे, फंक्शन इवन है या ऑड है। तो चलो इसमें फंक्शन क्या है, इसमें मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस एक्स। अभी हमें चेक करना है ये फंक्शन ऑड है या इवन है, तो ऑड या इवन दोनों चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स पता है आपको, हमें पता है इस टाइप के फंक्शंस में कैसे हम करते हैं। तो अगर मेरे पास फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ एक्स मुझे पता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए, तो क्या करो, हर जगह एक्स की जगह नया रख दो माइनस एक्स, एक्स की जगह नया वेरिएबल रख दो माइनस एक्स। तो क्या होगा, साइन ऑफ टू माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख दो, और जगह माइनस एक्स, वन प्लस कॉस माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस टू एक्स, और हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन टू एक्स, और हमें पता है हम पढ़ चुके हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसलिए क्या, कॉस को हम इवन फंक्शन बोलते हैं और साइन को ऑड फंक्शन, तो वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स। तो ये मेरा क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स। अभी यहां पे देखो, क्या एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों इक्वल है? अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों इक्वल है, इसका मतलब इवन फंक्शन होगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस एक्स, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस साइन टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कॉस एक्स। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दू, तो मुझे बताओ माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, इस फंक्शन के दोनों साइड क्या करो, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स। और ये किसके इक्वल है, ये यहां पे दिख रहा है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आया, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स ऑड है, ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन। और अगर ये एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है और इस टाइप का आपको लिमिट दिख रहा है माइनस ए टू ए टाइप का, तो सिंपली इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूशन यूज करने की जरूरत नहीं है। ये तो एग्जांपल समझाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, इसलिए मुझे 2 से 3 मिनट लगा, लेकिन आपको ऑलरेडी सब चीजें पता है, तो आधे मिनट में 10-20 सेकंड में आप पता लगा लोगे जल्दी एफ ऑफ एक्स फाइंड करके, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करके, ये दोनों चीजों को कंपेयर करके, ये फंक्शन इवन है या ओड है। हमने पहले एफ ऑफ माइनस एक्स हमने निकाला, एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकालोगे, एफ ऑफ एक्स पता है, उस सारे फंक्शन में एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। फिर हमने देखा एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स दोनों बराबर नहीं है, लेकिन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स को मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और ये किस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, सिंपली इसलिए इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन याद करना, ये जीरो तभी लिख सकते हैं कौन से टाइप के इंटीग्रेशन के लिए, माइनस ए टू ए टाइप के लिए, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली यहां पे भी देखो, इस एग्जांपल का मुझे आंसर बताओ, इसमें भी माइनस ए टू ए टाइप का इंटीग्रेशन है, तो पहले चेक करो जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनटू कॉस एक्स है वो ऑड है या इवन फंक्शन है। अगर ऑड है तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, और मुझे दिख रहा है वो ऑड फंक्शन है।
दोनों के लिए जीरो आएगा, फर्स्ट के लिए पाए कहाँ आएगा? कौन सा लॉजिक लगा रहे हो भाई? अरे कौन सा लॉजिक लगा रहे हो? फर्स्ट फर्स्ट में कहाँ से पाए आएगा? फर्स्ट का आंसर भी जीरो होगा और सॉरी सेकंड का और थर्ड का भी क्या होगा? जीरो होगा। थर्ड का भी आंसर जीरो होगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है आपका, ये है ऑड फंक्शन, इसलिए इसका भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स में कुछ भी डाउट है क्या? तो सबसे पहले अगर माइनस ए टू ए टाइप का डेफिनेट इंटीग्रल है तो सबसे पहले क्या चेक करो कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन का रिजल्ट लिख देंगे जीरो। और दूसरी बात, इसमें आप आइलेट वाला रूल भी लगा सकते हो। आइलेट वाला रूल लगा के भी सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जीरो ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये देखो कैसे चीजें चल रही है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है कि माइनस ए टू ए टाइप के अंदर अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं जीरो। अगर किसी स्टूडेंट को ये क्लिक नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर्टी पता नहीं है, तो वो क्या लगा देगा? इस पर आइलेट लगाएगा, फिर आइलेट में वो लंबा चौड़ा सॉल्व करेगा, फिर उसका भी आंसर जीरो ही आने वाला है। दोनों के लिए जीरो ही आएगा। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, नहीं तो अभी मैं आपको और एक एग्जांपल करवाऊंगा। फटाफट मुझे बताइए, अगर कोई भी डाउट नहीं है तो फटाफट क्लियर करो। कोई भी डाउट नहीं है तो फटाफट मुझे बता दो। कोई भी डाउट नहीं है तो फटाफट मुझे बता दो। अरे कुछ डाउट नहीं है, फटाफट कहां चले जाते हो तुम लोग? कमेंट करो फटाफट, फटाफट कमेंट करो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो। फिर मैं आगे बढ़ूं, एग्जाम्पल करवाऊं, एक और एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, टेंशन ना ले। सारे टाइप के प्रॉब्लम जो मैक्सिमम होते हैं वो मैं करवा दूंगा, ओके? सारे टाइप के जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं करवा रहा हूं आपको, तो कृपया करके कोई भी तरीके का टेंशन ना ले, कृपया करके कोई भी टेंशन ना ले, ओके? क्लियर? नो डाउट। तो चलो इसको मैं बता रहा हूं, इसका आप निकालो, इसका आप निकालो, मैं चेक करूंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है या नहीं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा? इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा? ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टेस्ट करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका आंसर आपको पता होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसका आंसर आपको पता होगा, ओके? फटाफट चलो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट मुझे कृपया करके बताएं, यात्री कृपया ध्यान दें। और इधर ओके, तो इधर फटाफट मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम गाइस। ई टू द पावर एक्स इंटू साइन का फॉर्मूला याद कर लेना, रट लेना फॉर्मूला। और गेट पॉइंट ऑफ व्यू वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम ना याद रखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? तो गेट में कभी ऐसा नहीं पूछा गया है, तो तुम ना गेट में देखो। मैं आपको सिंपल चीजें बताता हूँ, गेट में जो क्वेश्चंस आएंगे सिंपल फॉर्मूला पे आएंगे, कुछ लेंदी लेंदी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस नहीं पूछते, आप कितना याद रखोगे, ओके? ओके फटाफट यहां पे बता दो इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन किसी मटेरियल किसी बुक से आप डायरेक्ट लिख देना, आप डायरेक्ट लिख देना, उतार देना। 8-10 जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स होते हैं वो आप लिख लेना, ओके? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या ऐसा है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, कल के लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स और इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 10 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट, कोई बात नहीं है। तो कल के लेक्चर में मैं आपको जो गेट, क्योंकि आपको आइडिया नहीं आएगा एक्चुअली कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू कौन से डेरिवेटिव्स और कौन से इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल के लेक्चर में मैं क्या करूंगा, कल के लेक्चर में मैं खुद ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स और इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन रिजल्ट्स आपको लिखवा दूंगा जो आपके लिए गेट पॉइंट ऑफ व्यू यूजफुल होंगे, ठीक है? तो वो भी आप अपने बर्डन हटा दो, मैं ही ये काम करके आऊंगा। कल पहले मैं क्या करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स और इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन लिखवा दूंगा, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एरिया अंडर दी कर्व वाला, क्लियर? तो कोई भी टेंशन ना ले। ओ माय गॉड, इसका आंसर पाया आएगा, वेरी गुड, इसका आंसर पाया आएगा। तो आप लोग कृपया करके टेंशन ना ले, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन हो गई है,
कल तक का वेट कीजिए, मैं पहले खुद एनालिसिस करूंगा कि कौन से डेरिवेटिव्स, कौन से इंटीग्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल मैं आपको नोट करवा दूंगा। 6, 7, 8 ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव और 7 से 8 इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन से ज्यादा हमें नहीं पढ़ना। अगर और देखो, अगर आपको डेरिवेटिव्स पता है तो इंटीग्रेशन सिंपली उसका इनवर्स प्रोसेस है। मैं आपको कल बताऊंगा, अगर किसी का डेरिवेटिव पता है तो वहीं से आप उस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो। रिवर्स हमें जाना होता है, वो मैं कल आपको सिखा दूंगा, ठीक है? तो कल आप रहिएगा मेरे साथ, कल मतलब सेशन कोई भी मिस ना करें, मैं 10-15 मिनट आपको सिखा दूंगा। उसके बाद मैं सिखाऊंगा कि अगर डेरिवेटिव पता है तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट वहां से आप पता लगा सकते हो, फिर से उसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, और फिर हम एरिया अंडर द कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओके? तो एग्जाम्पल फाइव क्या है? एग्जाम्पल फाइव में यूवी रूल यूज होगा, इसलिए मैंने उठाया एग्जाम्पल फाइव। तो देखो एग्जाम्पल फाइव क्या है, ओके? एग्जाम्पल फाइव से पहले चलो इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करो। देखो ये गेट के क्वेश्चन है, मैं अपने क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, मैं पहले ही बता दूं गेट के क्वेश्चन है। देखो गेट में डेफिनेट इंटीग्रल्स का यही लेवल है, तो इसलिए मैं बोलता हूं गेट के लिए जब भी मैथ्स पढ़ रहे हो तो जो जी सेवियर में मैं बता रहा हूं, जो चीजें लिखवा रहा हूं उतनी सफिशियंट है, इंक्लूडिंग 250 डेज प्लान। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये बात, गेट के मैथमेटिक्स के लिए आप हम पे छोड़ दीजिए, जेनिक पे, जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, जितना बता रहा हूं, गेट के क्वेश्चंस आपके बन जाने वाले हैं। कोई यहां पे कोई इंजीनियरिंग में से कोई डरने वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो आप देख रियलाइज भी कर रहे होंगे, मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवाए, आप खुद भी रियलाइज कर रहे होंगे जो मैंने कंटेंट यहाँ पे चैप्टर वाइज लिखवाया है। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाने बैठेंगे तो मोस्टली पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे, हाँ कि ना? चलो मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पे फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए कि जो मैंने जी सेवियर में पढ़ाया है उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो ऑलमोस्ट 90% आपके 90-5% पीवाईक्यू सॉल्व नहीं हो जाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है? बिल्कुल यही सच्चाई है, ओके? तो इंटीग्रेशन देखो क्या फाइंड करना है, फ्रॉम 0 to π sin³θ dθ, ये हमें फाइंड करना है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम गामा फंक्शन से भी फाइंड कर सकते हैं। वो गामा फंक्शन में आपको जब पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा, अभी गामा फंक्शन वहां में प्रॉपर्टी सिखाऊंगा तो ही आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि अभी गामा फंक्शन को मैं इंट्रोड्यूस कर दे, तो कृपया करके इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लगाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। हमें पहले क्या करना है, देखो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरीके के फंक्शन है तो जैसे कॉस स्क्वायर को हमने सिंगल पावर में कन्वर्ट किया, वैसे ही साइन क्यूब का हमें डायरेक्ट पता नहीं है, तो साइन क्यूब में क्या करेंगे, साइन 3θ वाला आइडेंटिटी लगाएंगे। किसी तरीके से क्यूब को हटाना है, मतलब इक्वेशन में से क्यूब को एलिमिनेट करना है, क्योंकि अगर पावर 1 वाले कॉस या साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे तो उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमको पता है। तो इसका फाइंड करो, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, साइन 3θ क्या होता है, साइन 3θ क्या होता है, 3 sin θ -4 sin³θ, ओके? साइन 3θ क्या होता है, 3 sin θ -4 sin³θ, ओके? फटाफट चलो इसको निकालो, इसको निकालो फटाफट, फटाफट निकालो बच्चों, इसको निकालो, ये वाला आइडेंटिटी लगा, स्काई लेवल के क्वेश्चंस बहुत इजी है, क्यों टेंशन ले रहे हो? इसलिए तो उनको स्काई लेवल दिया गया, तो तुमको क्या सब इजी चाहिए, सब मलाई मार के चाहिए, मतलब सब हो जाए ना, जैसे ही कुछ खाने के लिए डाल दिया हो, जैसे होता है ना मिठाई रसगुल्ला होता है, मतलब तुमको गन्ना चूसना ही नहीं है, मतलब गन्ना कितनी मेहनत लगानी पड़ती है, तुमको सब रसगुल्ले चाहिए, बस जुबान में डालो चला गया अंदर, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें ये फंक्शन गामा फंक्शन से भी सॉल्व हो सकता है, वो मैं जब गामा फंक्शन पढ़ाऊंगा परसों तब बताऊंगा, कि कल का लेक्चर आप लोगों ने डिसाइड करवा दिया, आइडेंटिटीज बताऊंगा और एरिया अंडर द कर्व। तो ये चीजें देखो इसमें साइन क्यूब थीटा को रिप्लेस करना है, तो साइन क्यूब थीटा क्या होगा, इस इक्वेशन से बनाओ, साइन क्यूब थीटा क्या होगा, 3 sin θ -sin³θ/4, ओके? क्लियर इतनी बात? चलो और इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा, गाना नहीं गाना है, गामा फंक्शन पढ़ना है, गाना सुनना है तुम लोगों को। चलो जब जी सेवियर का लास्ट लेक्चर होगा तो मैं तुम लोगों को गाना सुनाऊंगा, खुश हो जाओ, ओके? जब जी सेवियर का लास्ट सेशन होगा तो मैं तुम लोगों को गाना सुनाऊंगा, अभी गामा फंक्शन पे और इंटीग्रेशन पे ध्यान दो।
ओके फटाफट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, साइन क्यूब थीटा की जगह पे क्या रखोगे, 3 sin θ - sin 3θ / 4, बस इतना ही आपको रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके साथ मेरा वीडियो क्या हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या वहां पे, तो मेरे अच्छा वापस आ गए, वी आर लाइव। 4/3, वेरी गुड, क्या बात है, छा गए तुम लोग, फिर तो तुमको डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, सब तो आंसर तुम लोग ही दे रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन देने के लिए आया हूँ, आज क्वेश्चन दूंगा आपके साथ, मस्ती मजाक करूंगा और प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। वाह क्या बात है, मस्ती मजाक में प्रॉब्लम सॉल्व, ओके। अभी ये एग्जाम्पल आपसे नहीं बनेगा, अच्छा बन गया तो देखिए यूवी रूल लगाना है, यूवी रूल लगाना है, मैं इसके लिए आपको 2-3 मिनट दूंगा। ओह माय गॉड, टाइम बहुत हो गया है, जीरो, मस्ती मजाक में ऐसे ही होता है, ये मस्ती मजाक इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जो पूरा दिन थक चुके हो मशीन्स और एनालॉग पढ़ के, उसकी मैं आपको थकान निकाल दूं, रिफ्रेश कर दे रहा हूं आपको, रिफ्रेश देखो, इसलिए मैंने एक्साइटेशन में एक्स भी देखो कुछ कैसा बना दिया, एक्स भूत जैसा लग रहा है एक्स, यहाँ पे कैसा है एक्स है ये, वाओ, एक्स इंटू टू द पावर एक्स डी एक्स, फटाफट यहां पे करो। देखो अभी कुछ मैं आपको चीज बताऊंगा, मुझे याद आ गई, अगर किसी स्टूडेंट को कभी कभी क्या हो जाता है, जब ये आइडेंटिटी लिखते हैं तो इसको थोड़ा याद करना टफ होता है, लिखने के बाद वो कंफ्यूज होता है कि ये आइडेंटिटी ठीक है या नहीं, ठीक है, तो अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यहां पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ये ट्रिक काम करेगी आपके लिए, ये ट्रिक काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है काम करेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज होती है, और आपको अगर डाउट है मतलब मैं सही लिखा है कि नहीं, तो इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो देखो इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, कोई भी एक थीटा ले लो जिसकी आप इजिली वैल्यू निकाल सकते हो, तो मैं यहां पे ले लेता हूं, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बता रहा हूं, किसी स्टूडेंट को कभी कभी डाउट होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख रहा हूं वो ठीक है कि नहीं, तो उसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं, कोई ऐसा थीटा अज्यूम करो जिसकी आप वैल्यू इजिली निकाल सकते हो, तो मैं साइन के केस में यहां पे लेटेस्ट अज्यूम करता हूं, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, अभी क्या करो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 को दोनों साइड में रख दो, चेक करो कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं, तो देखो साइन 3π/2 क्या होगा, साइन 3π/2 आपका होगा -1, और अभी लेफ्ट राइट हैंड साइड को चेक करो तो क्या होगा 3 sin π/2 - 4 sin π/2 cube, ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 होता है 1, उसका क्यूब क्या होगा 1, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा -1, तो ये एक ट्रिक है मेरे ख्याल से, और तो कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बताई, अगर आप बड़ी बड़ी आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फंस रहे हो तो क्रॉस चेक करने के लिए आप ये ले लो, लेट मैंने अज्यूम कर लिया थीटा, क्योंकि थीटा 3π/2 π/2 sin π/2 निकालना वैल्यू मुझे पता होती है, तो मैंने क्या किया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 अज्यूम किया, लेफ्ट हैंड साइड में पहले थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 अज्यूम करके मैंने आंसर निकाला -1, फिर मैंने सेम थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 कहां पे रखा, इधर रखा 3 उसमें राइट हैंड साइड में, फिर आंसर क्या आया -1 आ गया, क्या आ गया -1 आ गया, और एक चेतावनी और दे दूं, ज्यादा होशियारी में अगर चले गए कि सर ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, थीटा इज इक्वल टू 0 लोगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 लोगे तो गलत आंसर लिखोगे वो भी सही बन जाएगा, तो 0 मत लेना, जब ऐसा देख रहे हो कि थीटा इज इक्वल टू 0 तो गलत आंसर भी दे सकता है, तो ऐसा कोई लो थीटा की वैल्यू जो क्लियर हो जाए कि क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसी एग्जांपल में मैं गलती से ऐसा लिख देता किसी को मुझे याद नहीं होता और आंसर ऐसा लिख देता साइन 3θ = 3 sin θ + 4 sin³θ, गलती हो गई मुझसे गलती हो गई, क्या लिख दिया मैंने साइन 3θ = 3 sin θ + 4 sin³θ, अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो ये किसी भी थीटा के लिए वैलिड होना चाहिए, और अगर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 ले रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया -1, तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा इस केस में 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, तो इस केस में देख रहे हो दोनों आंसर सेम नहीं है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी में आपने कुछ मिस्टेक की है, ये आइडेंटिटी में आपने क्या मिस्टेक की है, यहां पे प्लस नहीं आता बच्चों, यहां पे क्या आता है माइनस आता है, क्या आता है माइनस आता है, ओके। अच्छा ये वाला मुझे बताओ, ये वाला ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं आपको, हाँ मतलब जैसे लेक्चर एंड होने आता है तभी स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियली मतलब बढ़ते जाते हैं, एक्सपोनेंशियली तो हम नहीं बोलेंगे लीनियरली,
और लीनियरली भी मत, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है पता नहीं, टाइम होगा। अच्छा ये वाला जो मैंने ट्रिक बताया वो आपको काम आया कि नहीं पता नहीं, आप इसको सॉल्व करने में लग गए और इसका ट्रिक ही नहीं पता चला आपको। इसका मैंने ट्रिक बताया अभी, साइन थीटा इज इक्वल 3 sin θ - 4 sin³θ। अगर इस टाइप का आइडेंटिटी दिया गया है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बॉस टाइप को, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 + cos 2x/2, साइन स्क्वायर एक्स होगा 1 - cos 2x/2, उनको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो कोई थीटा अज्यूम कर लो और देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। ओके तो ये माइंड में था, मैंने बता दिया, कॉलेज स्कूल के दिन याद आ गए जब ये टाइप की चीजें पढ़ते थे, क्योंकि स्कूल में तो स्कूल के जो एक्चुअली जो टीचर हमें तब जब हम पढ़ते थे, कोचिंग लेते थे, ट्यूशन पढ़ते थे, जो टीचर्स हमको ट्रिक बताते थे वो सब जो जो याद है मैं बता रहा हूं आपको यहां पे क्या क्या सब तरकीबें होती है, ठीक है ना। तो टीचर्स जो हमको ट्रिक बता, छुपाने से क्या फायदा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो टीचर जो हमको अपने 12th क्लास में जो सब ट्रिक बताए थे तो वो सब जो रिकॉल अगर मैं कुछ कुछ कर पाता हूं तो आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज आपकी, देखो ये हो गया, ये गेम ओवर, आपने सही आंसर दे दिया वन, आपने आंसर दिया इसका वन और वो ठीक है, वो आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्या, एग्जाम्पल एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, एग्जाम्पल 6 करवाने की जरूरत है क्या मुझे, और किसी को अभी भी डाउट है तो बता दो, किसी को अभी अभी भी डाउट है तो मुझे बता दो। तुमने स्कूल में ध्यान नहीं दिया ज्यादा, अगर ध्यान दे देते ज्यादा तो अभी कम फंसते तुम, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी स्कूल में तुमने ध्यान नहीं दिया तो अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान दो। ओके मुझे लग रहा है सबको यहां पे आइडिया आ गई है। इस केस में आप क्या जाओगे, आईलेट से जाओगे तो आपका यू होगा एक्स, पहले अल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, तो ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अल्जेब्रिक। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चलो मैं आपको एटलीस्ट इतना आपके लिए कर देता हूं, आईलेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मतलब क्या है आईलेट, क्या है आईलेट, तो आईलेट में देखो फ्रॉम लेफ्ट मेरे पास क्या है एक्स और ई टू दी पावर एक्स, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है अल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये मेरा क्या होगा यू होगा, और उसके बाद क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये मेरा क्या होगा V होगा। तो सिंपल फिर वो डबल इंटीग्रेशन वाली फॉर्मूला लगा देना, और सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली फॉर्मूला, और फिर वहां पे फाइंड कर लेना। ओके एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्लियर मेरी बात, ओके वेरी गुड। ई टू द पावर एक्स, और कुछ मैं आपको यहां पे सावधानी चेतावनी दे दूं कि जब ये लिखते हो यू इंटू वी डी एक्स, u into v dx, यहां पे चेतावनी, जब ये लिखते हो u into v dx तो जो यहां पे लिमिट्स होते हैं इंटीग्रेशन के वो सिर्फ v dx के रिजल्ट पे मत लगा देना, पूरे ओवरऑल रिजल्ट पे लगते हैं, जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स होते हैं वो पूरे ओवरऑल रिजल्ट पे लगते हैं, क्लियर इतनी बात। जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहला वाला पार्ट था u into इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो ऐसा नहीं तुम v का इंटीग्रेशन ले लिए विथ रिस्पेक्ट टू x और वहीं पे इंटीग्रेशन के लिमिट्स लगा दिए, नहीं, इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स लगते हैं वो इस पूरे फंक्शन में लगते हैं, ये बात याद रखना, क्लियर। तो ये बहुत धोखा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ओके सबको, हाँ आंसर वन, आंसर वन, अरे देखो मैंने पकड़ लिया तुम कहां कहां मिस्टेक कर सकते हो। तो पहला जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहला वाला पोर्शन था u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, तो गलती है सिर्फ v dx में अपर लिमिट और लोअर लिमिट मत लगा देना, जो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx जो ओवरऑल फंक्शन बनेगा उस पे अपर और लोअर लिमिट लगानी है। ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, फिर पता चला यू वी रूल तो पता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पता है, बाकी लिमिट लिमिट ही गलत लगा दी, हो गया पूरा गेम ओवर हो जाएगा आपका, गेम ओवर, आंसर के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे और गेट में पार्शियल मार्क्स भी नहीं होते हैं, तो आई एम सॉरी टू से आपको 0 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे अगर आपका ऑप्शन सही नहीं है। ओके तो आई होप, ठीक है, तो हम आज का लेक्चर इतना ही रख रहे हैं, और आई होप आपका मैंने माइंड पूरी तरीके से रिफ्रेश कर दिया। जब मैं यहां पे आया तो मैं प्लान करके आया था कि मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ाऊंगा और एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स पढ़ाऊंगा,
ठीक है, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स। लेकिन जब मुझे आपकी परिस्थिति के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने इतना परिश्रम किया है, सुबह से हार्ड वर्क किया है, तीन तीन मशीन के क्लास अटेंड किए हैं, और फिर किसका क्लास अटेंड किया है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लंबा सेशन अटेंड किया है। फिर मुझे थोड़ा जिज्ञासा हुई क्यों ना इस क्लास को इंटरटेनिंग क्लास बनाया जाए। तो ये जो क्लास था एक्चुअली बेसिकली इसको हम एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में ही रख रहे हैं, क्योंकि सारे आंसर्स तो आपने ही दिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा था, आपके साथ मस्ती मजाक कर रहा था और कुछ 12वीं क्लास की बातें शेयर कर रहा था। और देखते ही देखते हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली और सारी चीजें हमने समझ ली। तो आप लोगों को मजा आया कि नहीं आज की क्लास में? ओके, तो चलो ठीक है, तो सब अपना ध्यान रखिए, सर्दी बहुत है, कोरबा में तो बहुत है, आप सब अपना ध्यान रखिए, और सर्दी से बचने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सर्दी से बचने के लिए मतलब क्या करोगे, जो होता है करो भाई, जैकेट पहनो ठीक है, और ज्यादा होशियारी मत मारना, पता चला तुम बहुत सर्दी लग रही है और ऐसे ही घूम रहे हो हीरो बन के, कुछ ना हो जाए। और आज का कुछ भरोसा नहीं है, आजकल पहले ही बता दूं, सर्दी खांसी हो गई ना तो कोरोना नहीं होगा, तो भी डॉक्टर यही बोलेगा तुमको कोरोना है। तो ठीक है, तो हम फिर से मिलेंगे, अभी क्योंकि इतना कराया है तो असाइनमेंट में नहीं दूंगा, असाइनमेंट आपको कल ही मिलेगा, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चंस होंगे। और क्या करो अभी, क्या करो, क्योंकि अभी कुछ ऐसा हो गया कि आप पे ऑलरेडी इतना लेक्चर आज देख लिए, तो मैं आपको कुछ शेयर करूंगा यहाँ पे जो डबल इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं। तो डबल इंटीग्रल अभी मत करो, अभी मैं पहले एरिया अंडर द कर्व वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर डबल इंटीग्रल करोगे तो और अच्छे से समझ लोगे, तो इसलिए अभी उसको हॉल्ट पे रखो। अभी सबसे पहले क्या करो, जो इंटीग्रल कैलकुलस के मैंने क्वेश्चन दिए थे वो पूरे लगा देना अभी तक, वो पूरे, ओ सॉरी, उसका असाइनमेंट करना, सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रल, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का जो असाइनमेंट नंबर 14 दिया था, जिसमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस थे, वो पूरे कर दो। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं कर पाए हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, वो पूरा कर दो। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद अगर कोई वीडियो लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मैंने कल तक दिए थे, शायद 31 तक, उसमें कुछ अगर पेंडिंग पड़ा है तो उसको कल तक खत्म करके आना। तो कल हम डिस्कस करेंगे एरिया अंडर दी ओ सॉरी एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया अंडर दी कर्व हमने पढ़ लिया, एरिया अंडर दी कर्व अगर पता है तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स और एरिया बिटवीन टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व्स, ये सब चीजें आपको इजिली क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर से हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे शाम को 7 बजे। ओके, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।